महाराष्ट्रातील घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा. जेकॾहिं तव्हांखे पंहिंजे ॿारनि सां मैचिंग प्रोफाइल तकरा खपनि त अॼु ई कॉन्टेक्ट कयो rishto.com जी टीम सां. rishto.com सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे लहान बंधू आणि ऑल इंडिया फेअर प्राईस शॉप असोसिएशनचे उपाध्यक्ष प्रल्हाद मोदी हे 3 दिवसांपूर्वी उल्हासनगर शहरात व्यापाऱ्यांच्या समस्या ऐकण्यासाठी आले होते. परंतु प्रल्हाद मोदी यांनी भाषणात सिंधी समाजाच्या भावना दुखावल्याचा आरोप भाजपने केला आहे, त्यामुळे सिंधी समाज नाराज झाला आहे. प्रल्हाद मोदी यांचं भारतीय जनता पक्षाशी काहीही संबंध नाही, त्यामुळे उल्हासनगर शहरात व्यापाऱ्यांच्या समस्या ऐकण्यासाठी घेऊन येणारा UTI संघटना दिशाहीन होत चालल्याची टीका भाजप नगरसेवक प्रदीप रामचंद यांनी केली. त्यांनी आपलं काय मत मांडलं आहे ते ऐकूया. देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के छोटे भाई प्रल्हाद मोदी उल्हासनगर में आए, जो कि UTA जो TO के एक जो राजनीतिक पार्टी है उसके एक भाग ने उनको बुलाया था. उसका संबंध भारतीय जनता पार्टी से बिल्कुल नहीं है. अगर जरा भी वह भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से मेल खाते होते तो हमारे शहर का अध्यक्ष और आमदार उनकी मेज़बानी करने ज़रूर पहुंचा जाता, चाहे निमंत्रण हो न हो. क्योंकि वह भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से नहीं जुड़े हुए हैं, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी अपने आप को इस कार्यक्रम से पूरी तरह से अलग रखा. रही बात जब ये प्रल्हाद मोदी जी UTA के कहने पर उल्लासनगर में उनका आगमन हुआ, तो मुझे लगता है कि जो UTA जो संस्था है TOK की, वह पूरी तरह से दिशाहीन हो चुकी है. इसका कारण यह है कि व्यापारियों के मुद्दे अगर व्यापारी संगठन उठाए तो ठीक रहता है, लेकिन यह व्यापारिक संगठन कुछ भी मुद्दे उठा लेता है. हाल ही में कुछ दिन पहले माननीय मंत्री श्री जितेंद्र अवार जो कि आवास मंत्री हैं, इसी UTA ने उनको बुलाया था कि इमारतें जो हैं अवैध हैं, लोग बेघर होते हैं हो रहे हैं, उसकी समस्या के लिए उसको UTA ने बुलाया था. बहुत विरोधाभास है, व्यापारी का किसी को बेघर होने से क्या संबंध है, लेकिन ठीक है. लेकिन वह भी आए, वह भी हमारे समाज का अपमान कर गए. उन्होंने कहा कि मैं कालानी, राजवानी और भोजवानी के कहने पर नहीं आया हूँ, मैं चटर्जी के कहने पर आया हूँ. चटर्जी कौन है? अगर चटर्जी के बोलने पे जाते तो बंगाल में जाते. सिंधी बहुल इलाका पूरे भारत में अगर कोई शहर है तो उल्हासनगर है. उसमें आप इस तरह से हमारे समाज का अपमान किस तरह से कर सकते हो? ठीक है, वो तो हुआ, बात पुरानी हुई. रही सही कसर प्रल्हाद मोदी ने निकाल दी. UTA को क्या लगता है कि उनको किसी व्यापारी की समस्याओं से कुछ लेना देना नहीं है, उनको अपनी संस्था के स्कोर को बड़ा करना है. प्रधानमंत्री के भाई को बुलाया, बहुत बड़ी बात कर दी, और उसके हाथ में कोई जादू की छड़ी होगी, ऐसे घुमाएगा और सारे व्यापारियों के समस्याएं हल हो जाएगी. लेकिन प्रल्हाद मोदी जी जिस तरह से अप शब्दों का हमारे समाज के लिए प्रयोग करके गए, जिसमें विशेष रूप से उन्होंने कहा कि आपका समाज डुप्लीकेट वस्तुएं बनाता था, आपका समाज नमाज पढ़ता था, आपका समाज को भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है, इतना एक समाज को घिनौने शब्दों का प्रयोग करना कहाँ तक ठीक है? और जब ये बातें बोली जा रही थी तब आयोजक वहाँ पर मुक दर्शक बनकर देख रहे थे. किसी आयोजक में हिम्मत नहीं थी कि प्रल्हाद मोदी को रोके और कहें कि नहीं, जो सिंधी समाज है वह कभी भी डुप्लीकेट वस्तुएं नहीं बनाता, और अगर वह नमाज नहीं पढ़ता, अगर उसे नमाज पढ़ना होता तो धर्म परिवर्तन करके पाकिस्तान के उस सिंध
सिंध प्रदेश में आज भी रहा होता, जहाँ की करोड़ों की जमीनें छोड़कर केवल धर्म बचाने के लिए हम उल्लासनगर में शरणार्थी बनकर रहे, और प्रहलाद मोदी को वहाँ भी रोका नहीं गा जब कहा कि भाई कब तक शरणार्थी रहोगे, कब तक रेफ्यूजी रहोगे, हम रेफ्यूजी नहीं हैं, आज हम यहाँ के रहवासी हैं, आज यहाँ की अर्थव्यवस्था में, भारत की अर्थव्यवस्था में हमारे समाज का बहुत बड़ा हाथ है। और कह रहे हैं कि कब तक भीख मांगोगे, हमको भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है, हम आज भी जब से हमारे यहाँ पे बुजुर्ग आए, हमारे पूर्वज आए, उन्होंने कंधों पर बोरियाँ उठाई, लोकल ट्रेन में लाची बेची, अपनी ड्राइवरी की मेहनत पसीने की कमाई करके पाई पाई जोड़कर अपने परिवार के पीढ़ियों को खड़ा किया है, भीख मांगने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, कभी आरक्षण के लिए हम नहीं गए, कभी सरकार की तरफ मुंह नहीं देखा, अपनी मेहनत और अपनी बाजुओं में ताकत थी, हम कभी भीख नहीं मांगते हैं। और ये कह रहे हैं कि कब तक भीख मांगोगे, और कह रहे थे कि नमाज पढ़ना बंद कर दो, क्या हमको अपने धर्म की कोई प्रमाण पत्र देना पड़ेगा? सिंधी समाज जितना हिंदू है कोई नहीं हो सकता जिसने अपने धर्म के लिए सारी अपनी जायदाद सब छोड़कर खाली हाथ भारत में आ गया। और क्या कह रहे हैं कि आप लोग जीएसटी मत भरिए, आप लोग जीएसटी न, अरे हम कहते हैं कि अगर जीएसटी नहीं भरना है, यही अगर टकराव की बात हमको करनी है, तो हमको प्रहलाद मोदी जी के नेतृत्व की ज़रूरत नहीं है। कुल मिलाकर मैं ये कहूँगा कि यूटीए जिसकी राजनीतिक टीम टीओके है, वह हमेशा इस बात की डींगे बढ़ती थी कि हम सिंधी समाज के बहुत बड़े हितैषी हैं, लेकिन पिछले दिनों से ऐसे लग रहा है कि यह सिंधी समाज के बहुत बड़े विरोधी हो गए हैं, और समाज इनको ये जो दिया हुआ घाव है इस पर कभी माफ़ नहीं करेगा। और हम इस जो प्रहलाद मोदी यहाँ पर उल्लासनगर में आए, उनकी बातों से सहमत नहीं हैं, और हम इनकी पूर्व तरीके से इनका निषेध करते हैं। जिस तरह की बातें उन्होंने बोली, उन्होंने सार्वजनिक क्षमा याचना करनी चाहिए और अपने शब्द वापस ले लेने चाहिए, ऐसी भारतीय जनता पार्टी उल्लासनगर की मांग है। पत्र दिया जाता है, उस तरीके से आप कुछ करने वाले हो पुलिस स्टेशन जाके? देखिए, ये पार्टी का जो विषय है, भारतीय जनता पार्टी का विषय है, भारतीय जनता पार्टी पूर्णतः लोकतंत्र पार्टी है, बहुत ही जल्दी आमदार के नेतृत्व में एक मीटिंग बुलाई जाएगी, और जरूरी रहा तो ये काम भी हम करेंगे। राम वाधव ने उनको यहाँ पर बुलाया था क्या, मोदी जी को? देखिए, मुझे इस बात का बहुत ही आश्चर्य होता है, राम वाधवा जिसने कभी हमारे समाज के पप्पू कालानी को आतंकवादी कहा था, और आतंकवादी कहने के बाद वह व्यक्ति आज टीओके के गोद में जाकर बैठा है, यूटीए के संगठन में जाकर बैठा है, तो क्या हम यह समझें कि जो हमारी भावनाएं पप्पू कालानी के प्रति है, जो उस वक्त उन्होंने हमारे ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया था, जिसको उस वक्त भी हमने खारिज किया था कि नहीं, हम इस बात का समर्थन नहीं करते कि पप्पू कालानी आतंकवादी है, उसके बावजूद भी उसको मुद्दा बनाने की कोशिश की, तो क्या आज उसी वाधवा जो पप्पू कालानी, हमारे पप्पू कालानी को आतंकवादी कहता था, उसके साथ आज यूटीए और टीओके खड़ा है? यह सबसे बड़ा उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह है। मात्र त्यानंतर प्रहलाद मोदी यांनी दिलगिरी व्यक्त करतानाचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर पोस्ट केला आहे, ऐकूयात काय आहे हा व्हिडिओ। उल्लासनगर के मेरे सभी भाइयों और बहनों को प्रहलाद मोदी का प्रणाम। उल्लासनगर का मेरा प्रवास बहुत यादगार रहा, लेकिन आज मुझे पता लगा है कि मेरे कुछ शब्दों से मेरे सिंधी भाइयों को, उनके दिल को ठेस पहुंची। मैंने जो कहा है
वो कहने का मेरा उद्देश्य मेरे पहले जो नगर सेवक ने बताया कि पहले हम डुप्लीकेट करते थे, अब हम डुप्लीकेट से बाहर निकल गए। इसी बात को लेकर मैं बोला था कि आप अब नमाज छोड़ के भजन कीर्तन करने के लिए आए, इसलिए धन्यवाद देता। इस मेरे शब्दों से मेरा आशय किसी के दिल को ठेस पहुंचाने का नहीं था, फिर भी इस बात को लेकर आप लोगों के दिल को ठेस पहुंचा है, ये जानकारी मिली है, और इसीलिए मैं इस बात को लेकर सभी उल्हासनगर के रहवासियों से दिलगिरी प्रकट करता हूं। मैंने मेरे जीवन में सिंधी भाइयों को हिंदू ही माना है, इसमें कोई दो बात नहीं है, लेकिन परिस्थिति के मुताबिक नगर सेवक जी ने जो कहा था उसके अनुसंधान में मैं बोला हूं। कृपा करके इस बात को, मेरी दिलगिरी को आप स्वीकार करें और इस बात को यहां समाप्त करें। आप अंदरों अंदर मेरे हिसाब से कोई भी विग्रह खड़ा न करें, यही भगवान को प्रार्थना करता हूं। धन्यवाद। आकाश सहाने, स्वानंद मीडिया, उल्हासनगर। महाराष्ट्रातील घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा।